चले बेटे। वन फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज तो स्कूल में प्लेज बोल रहे, वो भी हिंदी में, मतलब प्रतिज्ञा। तो ये कौन आ रहे? छोड़ो। ए बुट्टू, बुट्टू, गुड मॉर्निंग। चले क्या? नहीं चलो, लेट हो आ गए हम। गुड मॉर्निंग माना। तो आरव को छोड़ा है और अब थोड़ा सा पौधों की देखभाल होगी और थोड़ी सी होगी एक्सरसाइज। आओ डांस करें। आओ देखे जरा किस में कितना कदम, उसके रखना कदम मेरे साथिया। वो तो तेरा हनुमान जी की तरह उछल रहा है। सोनिया भट्ट हमें कर ले ऊर्ध्वस्तासन। तो सब्सक्राइबर है हमारे, शायद गौरव, गौरव करके उनका नाम था, और उन्होंने हमें चैलेंज दिया था कि आप मरकट भुजंग आसन करके दिखाएं और कुकुट आसन दिखाएं। तो दोस्त हम ये आसन भुजंग आसन तो अभी आपने देखा कि अभी कर ही रहे थे, तो किसी दिन आपको शीर्ष आसन, भुजंग आसन सारे करके दिखाएंगे। फिलहाल मजा लें इसका और थैंक्स आपके चैलेंज के लिए। बाकी सुपर आरव आपको पूर्ण भुजंग भी करके दिखा सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और ये है भुजंगासन, ये देखिए। तो दिस वन इज कॉल्ड भुजंगासन और ये आपने 40 सेकंड का चैलेंज दिया था, ये हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक कर लेते हैं। हम ही नहीं, आप भी कर लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ज्ञान देते रहो और निकलते रहो। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। तो छत में कुछ ऐसा है इस वक्त नज़ारा, बादल छाए हुए हैं, सूर्य भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं और एक भगवती यहाँ पे बैठी हुई है, रोज़ बैठी रहती है। तू भी कर ले भाई थोड़ा योगा हैं। तो नीचे चलते हैं और मैं पौधों को देखने आया था, वो सब सही है, जो उसकी कमी नहीं है। दोस्तों कितने हो गए? यहाँ बैठ रहे मस्त वाले पराठे, और काई के पराठे जरा बता दें। झूठी बात, झूठी बात, गैस की दाल के नहीं है, उसको तो रेयास की दाल बोलते हैं शायद। अच्छा तो फ्रेंड्स, भाई गलत फहमी हो गई, आई एम सॉरी। पराठे बन रहे हैं गेहूं की दाल के, पर इसका मजा तभी है जब आप इसे बहुत सारे घी के साथ खाएं, एकदम करारा। तो पेश किया जाए, इधर बनी दोस्तों कद्दू की सब्जी, और अभी ये प्रेशर खुलना बाकी है, कहीं चाहिएगा नहीं। बने रहिएगा अपने दोस्त प्रेम पहाड़ी नीरज और प्यारी पहाड़ अन्नपूर्णा जी के साथ अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी जिंदगी पर। मम्मी और मम्मी की भूली, मानू की मम्मी, मानू की मम्मी। तो सब मिलिए भाई मानू की मम्मी से। आपने भी मानू की मम्मी नहीं देखी थी? नहीं, पहले मिले हैं ना। मिले आज। लग गई हमारे राजा साहब की थाली, जो हमारे सल्तनत के राजा हैं, और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको खाने की भी चिंता नहीं है। अरे कैसे नहीं है भाई, आपने इतने प्रेम से बनाया तो दोस्तों खाएंगे हम खाना। शुक्रिया साहब। राजमा है? राजमा है, राजमा। हम तो उड़द की दाल समझ रहे थे। वही उड़द राजमा है। अच्छा तो दोस्तों आज बनिए। ओहो, अब लाइक तो करो, इतना बढ़िया खाना बने अन्नपूर्णा जी ले है, वीडियो तो लाइक करो दौड़ दौड़ी खा। अरे देखो प्याज भी छे, फटाफट खाओ, हरा हरा मिर्चा भी छे, और बताओ कि कैसे कद्दू भी छे। वाओ, अन्नपूर्णा जी की रसोई के खाने के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, जो आपको विश्लेषण करके बताएगा आज के खाने को। मैं अभी तब तक यहाँ से उठूंगी नहीं। वाह वाह, ये जरा सी भी अतिशयोक्ति नहीं है भाई, आप कृपया इसको अतिशयोक्ति समझने की गलती ना करें। हम बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं करते, मैं दाल का टेस्ट आपको करके बताता हूँ। वाह, एक्टिंग सीख रहे आज कल, क्लास जा रहे। लेकिन इसमें ना पर थोड़ा सा इसमें नमक और होता ना और मजा आता। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको तारीफ के बाद एक थोड़ा सा एक नुक्स भी निकालना है, ताकि खाने पे नजर ना लगे कितना बेहतरीन खाना बनाए हैं। बहुत बढ़िया, तब तक बीवी नजर लगा देगी, बता रही हूँ मैं, बुराई ना करा करो। चलो बाय बाय।
वेलकम टू रंगोली गार्मेंट्स। और वहाँ छोटे भाई हमारे क्या कहेंगे उसे, फॉरेन रिटर्न कस्टमर फ्रेंड्स हमारे तो भाई लौट के आए अभी कतर से और सीधे शॉपिंग करने, तो गुड लक टू यू दोस्त आगे। तो मेरे साथ है नवीन, गुड लक नवीन। और कैसा लगता है यहाँ पे शॉपिंग करना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। लगभग कितने साल से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? 7-8 साल से ज्यादा ही हो गए हैं ना, तो बहुत साल हो गए हैं हमारे साथ जुड़े हुए, स्कूल टाइम से हैं और अब अपने एक लाइफ में सेट भी हो गए। तो फिलहाल दोस्त कतर से लौट के आए लेकिन शॉपिंग करने अपने यही। इट्स 1:10 और अब हम जाएंगे अरब को लेने। वेलकम, कैसा रहा स्कूल? मजा आया? चलो दे बेटा, दे दे उसको, कितना परेशान करेगा, मजा आ गया बिन्नू। हाँ तो इन्हें लग रहा है कि इनका ड्रेस अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। स्कर्ट विद टी शर्ट, गर्ल इन ब्लू स्कर्ट, वाह। और हम इस तरह से चीनी को, हम नहीं मतलब अन्नपूर्णा जी, चीनी को इस तरह से पाउडर बना के रखती हैं ताकि नींबू पानी इजीली बन जाए, तुरंत बन जाए। गुड। हाय फ्रेंड्स, शाम के 6:30 हो रहे हैं और हम लोग अब जा रहे हैं छत पे। आज मानो बल कमजोर हुई, आज मानो सूर्य नमस्कार कर और थक गया ये बहुत। बड़ी कमजोर आ गई मैं, 2 किलो काजू और 3 किलो बादाम के बारे बारे जो सुनना चाहिए। 2 किलो आज काजू। आपके स्कूल के दिनों को याद कराते हुए आपके लिए पेश है, जिसने भी ये गेम खेला है प्लीज वो कमेंट जरूर कर रहे हैं। बोल बोल के जोर से हमने खाए लड्डू, लड्डू पेड़े सस्ते नाना जी नमस्ते। अच्छा लड्डू पेड़े सस्ते नाना जी नमस्ते। तो ये था हमारा आज का सिलो मिलो सिलो सालो, जो मैं आता आओ मिलो, आओ मिलो सिलो सालो। ठीक है फिर अब हम नीचे जा रहे हैं और पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा बहुत भक्ति भुक्ति पे भी जाएंगे। तो कल हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस पे आरब को ये कहानी याद करनी है, तो हम भूल गए थे। हम जा रहे हैं अब नीचे और इसको एक हिंदी में एक कहानी याद करवाएंगे। तो दोस्तों आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। पर क्या आप तो घर वालों को भी डरा के भगा दोगे? तो शाम को आ गए हमारे बड़े शहजादे पढ़ पुड़ के थक चुके, नींबू पानी पिलाया जाए शहजादे को। बड़ा यार देख लो, रुद्र थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, हीरो जैसा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो देख लो, थोड़ा लग रहा है समय। चलो नाना जी भी आ गए। का छापा तुम सारे दिन? नाना जी बहुत छापे। छुट्टी अब चले घर, स्कूल। कल भी टेस्ट है क्या? नहीं, कहानी प्रतियोगिता है। कहानी प्रतियोगिता है दोस्तों, कल हिंदी दिवस है। रात के 9 बज चुके हैं, भाई पहुंच गया घर। स्टोरी लिख ली। तो कल दोस्तों हिंदी दिवस है, अभी पता चला है भाई को, भोजन करा दो, बहुत भूख लगी है। फिलहाल कहानी ये है कि मुझे लगी बहुत तेज भूख। तो बच्चे आजकल बहुत बिजी रहते हैं, वो तबला जाता है आता है, फिर बहुत सारे होमवर्क होते हैं तो लेट हो गया वो, और उसको बड़ी फिक्र भी रहती है। ये आप तो खाने बैठ गया भाई, मिंत बोल मेरे माँ खिलाल में थी है। टाइम तुम टाइम पर नहीं चले, देख लिया वहाँ देखो सासू पक्की सासू इन हूँ ना, तुम थे टाइम पता नहीं चलो, कभी पढ़ाया चपट ना चोते ना, कहानी भी सुना होते कभी ना। तो अगर आप दादा और दादी बन गए हैं तो अपने नाती पोतों को खूब सारा प्यार करें और उनकी पसंद की बातें करें, अपनी पसंद की नहीं, वरना वो इसीलिए तो नहीं। हाँ देखो कितनी कमाल की बात ना, वो यहाँ नहीं आते हैं तो वो इसलिए नहीं आते हैं कि दादी जब उन्हें कहानी सुनाएगी, उनके मनोरंजन वाली है, उनके साथ खेलेगी, तब उन्हें मजा आएगा। तो फ्रेंड्स शायद अब खाना मिल जाए
और उम्मीद कर रहे हैं कि आज के ब्लॉग को भी आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे आए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ खट्टा मीठा चटपटा कम रह गया हो तो कल उसको भरपाई कर देंगे, पर आप लाइक जरूर कर देना। तो दौड़ी जन दौर किचन माँ का गे तू दौड़ी का ये एक तो मानो भूली बीच भाई, धन्यवाद। तो दगड़ियों मानो भूली बना रही है रोटियां और अब हम मिलके खाएंगे खाना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक चटपटे तीखे और एक जायकेदार इस सब्जी जैसे ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय जय वंदे विशाल।